राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला इस बीच में सामने आया है कि ग्रेजुएशन में पहले और दूसरे साल के छात्रों को प्रमोट किया गया है, यानी कि पहले फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के छात्रों को प्रमोट किया गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में पहले साल के छात्रों को भी प्रमोट किया गया है। कोरोना के चलते बिना परीक्षा के प्रमोट करने का यह फैसला लिया गया है। प्रमोट छात्रों को 31 अगस्त तक अगली कक्षा में प्रवेश लेना है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर की परीक्षाएं सितंबर में संभावित हैं। माना ऐसा जा रहा है कि अगले महीने सितंबर के महीने में ये परीक्षाएं हो सकती हैं। 16 अगस्त के बाद में परीक्षा के तारीख पर फैसला लिया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर केन सिंह ने यह फैसला लिया है। तो प्रयागराज से यह खबर, मनीष पालीवाल हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, जो व्यवस्थाएं इस बीच में सामने आ रही हैं, किस तौर पर ये आगे की तस्वीर बनती हुई दिख रही है? देखिए, ये जो कोरोना काल है उसको देखते हुए ओपन यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से लिया गया एक अच्छा फैसला है। लगातार छात्र भी इस तरह की मांग कर रहे थे कि बिना परीक्षा के छात्रों को प्रमोट किया जाए, और उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसमें आपको बता दें कि जो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फैसला लिया है उसमें स्नातक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर BA जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनको प्रमोट किया जाएगा अगली कक्षा में, और इसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, और फाइनल ईयर के जितने भी छात्र हैं उनकी परीक्षाएं कराने की तैयारी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस समय कर रहा है। पुरजोर तरीके से उनका ये प्रयास है कि जो फाइनल ईयर के छात्र हैं उनका कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को। मगर मनीष, अभी भी संभावित बताया जा रहा है कि संभावित महीना सितंबर का हो सकता है परीक्षा के लिए, तारीखों पर अब किस तौर पर चिंतन और बैठक चल रही है? जी देखिए, सोमवार को जब ये ऑफिस इनका खुलेगा 16 अगस्त के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन इस पर फैसला करेगा। वो लोग तय करेंगे आपस में बैठकर जो यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी हैं कि सितंबर में परीक्षा कराने की उनकी योजना है। कोरोना को देखते हुए ये फैसला लिया जाएगा कि जो केस प्रदेश में इन दिनों बढ़ रहे हैं तो उसको देखते हुए ही फैसला लिया जाएगा। छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर फैसला किया जाएगा। छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर के यूनिवर्सिटी प्रशासन इस वक्त अपना ये फैसला ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनीष इन तमाम जानकारी के लिए।